पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। नरेन जी, पहली बार घर आए हो तो ये शुकन आपके लिए। मामी, इसकी क्या जरूरत? अरे नहीं नहीं बेटा, रख लो, खाली हाथ नहीं जाते। रखो। वैसे खाली हाथ कहाँ जा रहा हूँ मामा? ढेर सारी यादें हैं आप सब बड़ों का, इतना ढेर सारा प्यार, नए रिश्ते, ये सारी चीजें अपने साथ लेके जा रहा हूं। वैसे मामा जी, मैं सोच रहा था कि रात में कार से जाना काफी अनसेफ होगा। वो क्या है कि खाना भी अभी खाया है, नींद भी आ जाएगी थोड़ी देर में, और रास्ता भी बड़ा उबड़ खाबड़ है, तो मैं होटल वापस चला जाता हूँ, फिर कल सुबह आराम से निकलूंगा। हाँ ये भी ठीक है, पर बेटी थोड़ी देर के लिए उल्टी दिशा में होटल क्यों जाना, यहीं रुक जाओ। हाँ हाँ यही रुक जाओ। अरे मैं होटल में आराम से वो हमारा घर छोटा है लेकिन मेहमान गति में हमारा दिल बहुत बड़ा है। नंदिनी सही कह रही है। ठीक है, जैसा आप बड़े कहें। अरे तो चला आओ। आइए आइए, चलो। अभी सो जाओ बेटा, सुबह तुम्हें जल्दी निकलना भी है। मामा जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो बेटा। मामा जी, नंदिनी ये रूढ़ियों के, कुरीतियों के खिलाफ है, ये तो मैं जानता हूँ, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी कोई उसके सामने दहेज की बात करता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत पर्सनल हो जाती है। ऐसा क्यों? मामा जी, उसके ऐसे व्यवहार की वजह उसका निजी गुस्सा और नफरत है। दहेज ने दो ऐसे लोगों की बलि ली है जो उसको सबसे प्यारे थे, एक उसकी बचपन की सहेली ज्योति जिसने दहेज की मांग से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, वो वाकया कई दिनों तक हमने नंदिनी को नहीं बताया, लेकिन ज्योति की मौत के बाद वो भी बाहर आ गया। ज्योति के अंतिम संस्कार के रात मैं और मणि बैठकर बात कर रहे थे, वो बात जो हमने पिछले 18 साल में कभी नहीं की थी, तो हमें नहीं पता था कि नंदू हमारी बात सुन रही, और उसे पता चल गया है कि उसकी माँ सुरभि यानी मेरी बहन ने दहेज से तंग आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। नंदिनी की माँ ने तीन साल की थी नंदिनी,
लगभग एक साल का रहा होगा मितेश, जब सुरभि ने बिना माँ का बचपन दोस्त ज्योति ने संवारा, लेकिन फिर वो भी दहेज की भेंट चढ़ गई। तो नफरत तो होनी थी ना उसे इस कुरीति से। मनर भाई नंदिनी के पिता, उनकी मांगे ही कम नहीं हो रही थी, जितना हो सकता था हम भिजवाते रहते थे। लेकिन यहां पर भी तो भंडारा नहीं भरा पड़ा है ना नरेन भाई। दो साल की रही होगी नंदू जब मनर भाई ने मेरी बहन को घर से निकाल दी। वो यहां मायके आ गई, यहां आकर पता चला कि वो फिर से पेट से है। कुछ दिन वो यहां रही। सुरभि बेन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखो वो अच्छे समाचार लेकर ही आते होंगे, अब रोइए मत। आगे क्या हुआ? मनर भाई फोन नहीं उठा रहे, तो उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, बेना की कभी भी डिलीवरी हो सकती। आपकी बार अगर बेटा हुआ तो ही घर वापस बुलाएंगे, मुझे पता है। अरे बेटा ही होगा, देख लेना। हाँ मेरा मन कह रहा है। और देखना, खबर सुनते ही वो भागे दौड़े चले आएंगे। सच में आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और अगर दूसरी बार भी बेटी हुई तो भाभी? कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। और फिर मितेश पैदा हुआ। हम लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो खुशखबरी देने के लिए। मैंने मनर भाई को फोन किया, लेकिन वहां किसी ने फोन ही नहीं उठाया। आस पड़ोस वालों से बात करके कांटेक्ट किया तो पता चला कि उस दिन मनर भाई की दूसरी शादी। लेकिन ये तो गैर कानूनी है ना मामा, आप लोगों ने कंप्लेन की नहीं की? जैसे भगवान का डर ना हो वो कानून से क्या डरेगा। हमारा समाज तो पग पग पर न्याय का मजाक उड़ाता है। मैंने रोकने की कोशिश की, मंडप में भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे मार के भगा दिया। और उल्टे सुरभि पर ही इल्जाम लगाने कि एक साल से मायके में पता नहीं किसका पाप लेके घूम रही। लोग अक्सर अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर उंगली उठाते हैं। रोज रोज के झगड़े, मारपीट, मायके लौटना, पति की दूसरी शादी, छोटे छोटे बच्चों का बोझ, सबसे बड़ी बात उसके चरित्र पर उंगली उठाना। मेरी बहन बर्दाश्त नहीं कर पा। वही हुआ जिसका डर था। अरे सुनिए कहाँ है आप? क्या हुआ? अरे सुरभि बेन इतनी रात को घर से बाहर भागती हुई चली गई है।
क्या बोल रही हो? अरे पता नहीं कहाँ गए होंगे, आप कुछ आप देखे वरना वो कहीं कुछ करना बैठे। तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। देखिए देखिए सुरभि। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।